नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। आज होगी जीएसटी काउंसलिंग की बैठक, वित्त मंत्री कई अहम फैसलों पर लगा सकती है मुहर। इस बैठक में कोविड 19 से जुड़े सामानों जैसे दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी रेट को कम करने के साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री का अमेरिका दौरा, जयशंकर ने कहा कोविड 19 के खिलाफ जंग में भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी जरूरी। अमेरिका में बोला चीनी दूतावास, कोरोना की उत्पत्ति के राजनीतिकरण से जांच में आएगी रुकावट। चीन का यह आदेश तब आया जब बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के भीतर वुहान लैब लीक को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ट्विटर ने आजादी का सवाल उठाया तो सरकार ने कहा इधर उधर की बातें न करें। 27 मई को मोदी सरकार की मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक रिलीज जारी की और ट्विटर से सभी नियम मानने को कहा। तूफान के बाद पीएम की रिव्यू मीटिंग, बंगाल ओडिशा के प्रभावित क्षेत्रों पर हवाई दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। दो तूफान गुजरने के दो दिन बाद आएगा मानसून, समय से दो दिन पहले 31 मई को केरल पहुंचेगा। बीते 24 घंटों में 1.79 लाख नए संक्रमित मिले, 2.64 लाख ठीक हुए, 28 राज्यों में रिकवरी होने वालों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा रहा। दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस, मिलेंगे नई हेडलाइंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।